हमारे मुख्यमंत्री ने श्रीमती कहकशान परवीन, श्रीमती कहकशान परवीन, बहुत बहुत उपसभापति जी हमारे मुख्यमंत्री, अब आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। आप समय से दो मिनट अधिक बोल चुके हैं, इसलिए कृपया लंच के विषय पर चर्चा हो रही है और सभी इस पर चर्चा व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। कोई भी माँ बाप हो, चाहे वो अमीर हो कि गरीब हो, जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। और बच्चा जब भी कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, वो सीखता है, वो अपने आसपास के समाज से ही सीखता है। जो मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व शराबबंदी और पूर्व नशाबंदी के लिए जो मुहिम छेड़ा है, उस मुहिम के का ये हुआ कि जो स्कूल में जो पढ़ रहे बच्चे सब थे, वो 1,19,00,000 बच्चे ने संकल्प पत्र अपने माता पिता, अपने अभिभावक से भरवाया कि वो शराब नहीं पिएंगे और शराब पीने वाले को नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। 9,00,000 स्थानों पर जो है वो मद निषेध के नारे लिखे गए और मानव श्रृंखला बना। मानव श्रृंखला में 12,760 किलोमीटर जो है मानव श्रृंखला बना, जिसमें 4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो जिस तरह से आप इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और इस पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं और समाज को इस बुराई से निकालने की बात आप कर रहे हैं, और इसके लिए कई कानून भी बनाए गए और आपकी तरफ प्रयास भी किया गया और बिहार में भी कानून बनाए गए, लेकिन कानून के साथ साथ सख्ती से भी उसका पालन कराया गया है और साथ ही साथ जन जागरण अभियान भी चलाया गया है। मैं समाज न्याय मंत्री जी से इस बुराई से बचने के लिए, जो खासकर गरीब तबके के लोग हैं उनको निजात दिलाने के लिए, जो बिहार में जिस तरह से मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छेड़ा है, क्या उस मुहिम को आप अपनाने का काम करेंगे, ये जानना चाहती हूँ। धन्यवाद।